खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट डिजाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जैसे आपकी सलवार छोटी रह जाती है तो उसकी लेंथ पूरी कैसे करेंगे। तो देखिए, मेरे पास ये सलवार है, इसकी लेंथ मुझे बनानी है 35 इंच रेडी। तो मैं आपको इसकी लेंथ चेक करवा देती हूँ। इसकी मैंने कलियाँ जोड़ ली है और यहाँ से मैंने इसको अटैच किया हुआ है ताकि बार बार मुझे समेट के ना दिखानी पड़े, इसलिए मैंने समेट रखी है कलियाँ जोड़ के इस तरह से। तो इस सलवार की जो लेंथ है वो हमें रखनी है 35 इंच रेडी। अब मैं आपको ये सलवार की लंबाई दिखा देती हूँ। इसमें लंबाई है 28.5 इंच। हमें 35 इंच सलवार रेडी करनी है तो इसके लिए हमें 1 इंच तो ये सिलाई में चली जाएगी, ऊपर से आधा इंच और नीचे से आधा इंच, तो ये 27.5 इंच रेडी रह जाती है। 27.5 के बाद 35 तक हमें कितनी लेंथ इसकी रेडी करनी है, तो इसमें हमें 4.5 इंच का बेल्ट ज्वाइंट कर लेना है। 31.5 इंच की सलवार रेडी हो जाती है बेल्ट ज्वाइंट करने के बाद। इसमें 3.5 इंच और बाकी रह जाता है, तो 3.5 इंच के हम अलग से पोंचे बना के इसमें अटैच कर देंगे। तो इसमें मैं आपको अलग से पोंचा बना के और सलवार की लेंथ पूरी करना बताऊंगी। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, या तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और अगर आपको घर बैठे सिलाई सीखने हैं तो भी आप इस नंबर से कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। सिलाई के पैटर्न आपको लेने हैं तो भी आप इस नंबर से कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए, हमने इस सलवार में बेल्ट जोड़ लिया है, मैंने 4.5 इंच का इसमें बेल्ट जोड़ लिया है। और अब इसकी लेंथ 32.5 इंच हो गई है, तो यहाँ पे हम पोंचा अटैच करेंगे। इस तरह से मैंने डबल कपड़े के बीच में फोम लेके और यहाँ पे पोंचा बना लिया है। अब देखिए, यहाँ पे हम पोंचे को अटैच कर लेंगे। इस तरह से दोनों साइड बराबर पोंचा रख के हम इसको अटैच कर लेंगे। इसके बाद में मैं आपको सलवार की लेंथ चेक करवाऊंगी दोबारा से। देखिए, यहाँ पे मैंने पोंचा जोड़ दिया है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे इंटरलॉक कर लिया है, यहाँ से धागे नहीं निकलेंगे। और अब इस पोंचे को हम इस तरह से पलट लेंगे, इस तरह से रख के एक यहाँ पे सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारी पे। इस तरह से मैंने अलग से पोंचा जोड़ दिया है। यहाँ पे जोड़ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। हमारे जो पोंचे में पूरे में सिलाई होती है, इसीलिए यहाँ पे पता नहीं लग पाता है कि ये अलग से जुड़ा हुआ है या इसी कपड़े में बनाया हुआ है। तो अब हम इस पोंचे को इस तरह से मोड़ लेंगे और यहाँ से फिटिंग कर लेंगे इसकी। जितना आपको पोंचा रखना है रख के फिटिंग कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने अलग से पोंचा अटैच करके और सलवार की लेंथ जो है वो पूरी कर ली है, और इसकी फिटिंग भी अच्छे से मैंने कर ली है। अब इसकी लेंथ मैं आपको चेक करवा देती हूँ। आप देख सकते हैं, इसमें 35 इंच सलवार रेडी हो गई है। तो इस तरह से आप भी अपनी छोटी सलवार की लेंथ बढ़ा सकते हैं, या कम कपड़े में आपको सलवार बनानी हो तो अलग से पुंचा अटैच कर सकते हैं आप। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।